Yeah. So I hope you are able to hear and clearly visible. So y bar z bar plus w x bar z plus w bar x y z bar plus w y z bar. ये हमारा क्वेश्चन है, इसको हमको प्रूफ करना है कि इट इज़ कमिंग टू z bar. तो सबसे पहले विल टेक द एल एच एस, सॉल्व करने को स्टार्ट किया, z bar कॉमन निकाला, y bar पूरा इसमें यू कैन सी द z bar इज कॉमन, सो यू टेक इट एज कॉमन. देन हाउ विल सॉल्व इट फर्दर, सी इसके आगे इन दोनों में वापस आपको w bar कॉमन मिल रहा है, सो वापस w bar x bar प्लस y एंड देन z bar y bar प्लस w x bar w y bar. सो इनमें अभी आपको कॉमन क्या मिल रहा है, y bar y कॉमन निकल रहा है इसमें इन दोनों में. ओके, इफ़ यू कैन सी इट प्रॉपरली, सो हम लोग ने y bar प्लस y w bar प्लस w प्लस w bar x bar किया. तो इसमें अभी देखो w bar प्लस w इज़ व्हाट, सिंपली वन. तो y bar प्लस y प्लस w bar x bar, अभी y bar प्लस y भी वही होगा ना, जैसे w प्लस w bar वन हुआ था वैसे y bar प्लस y भी वन ही होगा. सो इन दिस वे ये पूरा टर्म हो गया वन, बाकी बचा गया w bar x bar. ओके, वो वैसे ही लिखा है यहाँ पे आगे. ओके, सो वन प्लस w bar x bar इज़ नथिंग बट सिंपली अगेन ये भी क्या हो रहा है आगे, इसका भी आएगा आंसर आपको वन. क्यों? क्योंकि वापस जब भी यू गेट अ टर्म लाइक दैट जिसमें एक वन है और w bar x bar है, तो इसमें आपको इसका फाइनल आंसर आता है वन, क्योंकि दो नेगेटिव है और एक वन है. तो इस केस में ये एक प्रॉपर्टी है, ऐसे केसेस में यू हैव टू राइट इट इक्वल टू वन, दैट इज इक्वल टू जेड बार, सो इक्वल टू आर एच एस.